पर हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। इस वक्त हम सचिवालय में हैं और काफ़ी लंबे समय से बेरोजगार इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियां उन्हें दी जाए। पेंडिंग रिजल्ट जो कई महीनों से सालों से लटके हुए हैं वो रिजल्ट घोषित किए जाए। तो आज तमाम सभी प्रदेश भर के बेरोजगारों का वो इंतज़ार शायद अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इसी वजह से आज सचिवालय में काफ़ी संख्या में प्रदेश भर से बेरोजगार युवा यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने रिजल्ट को घोषित करने की मांग को लेकर यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से तमाम सभी युवा वर्ग यहाँ पर पहुंचे। अब तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं, हालांकि अभी और भी यहाँ पर लोग पहुंचने वाले हैं, काफी ज्यादा ऐसे युवा पहुंचने वाले हैं जो कि अपने रिजल्ट को घोषित करने की मांग को लेकर सीएम से मिलेंगे। हालांकि अभी एकत्रित यहाँ पर हो रहे हैं और भी काफी संख्या में, ये कहा जा रहा है कि प्रदेश भर से और युवा भी यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि इनके पास बैनर भी, अपने सहयोगी से चाहूंगी कि वो इन बैनर को जरूर दिखाए। और यहाँ पर युवा जो काफी संख्या में पहुंचे हैं, हम आपको बताएं कि ज्यादातर जेआईटी 817 का ये मामला है। काफी लंबे समय से जेआईटी 817 के अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। हालांकि विजिलेंस में मामला लटके होने की वजह से जेआईटी 817 का रिजल्ट एक बार फिर से यहाँ पर रुक चुका है। और फिलहाल यही वो अभ्यर्थी है कि अब एक बार फिर से सरकार को याद दिलाने के लिए शिमला पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री से ये मिलेंगे। और उसके बाद आप खुद सोचिए कि काफी संख्या में आपको इन चेहरों पर नजर भी आ रहा होगा कि चेहरे काफी ज्यादा थके नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों से, ऐसे जिलों से पहुंचे हैं जहाँ पर बर्फबारी भी अभी हो सकती है। कड़ाके की तापमान काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो गिरावट तापमान में देखी जा रही है, बावजूद इसके कड़ाके की ठंड में शिमला पहुंचे हैं तमाम सभी अभ्यर्थी। और इससे पहले कि हम इन सभी से बातचीत करें, आपको एक बात जरूर बता देते हैं, जेआईटी 817 का मामला विजिलेंस में है और इस वजह से जेआईटी 817 का जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग को रिजल्ट घोषित करने के लिए सरकार की ओर से कहा गया था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इनकार कर दिया कि वो जेआईटी 817 का रिजल्ट इसलिए घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मामला विजिलेंस में है। कई अभ्यर्थियों पर इस पर आरोप लग चुके हैं। तो फिलहाल आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार मैम, मैं सिरमौर से आया हूँ और मैं स्पेशली कईयों बारी भी यहाँ सीएम से मिलने आया हूँ। और मैं सिरमौर से उस गांव से बिलोंग करता हूँ जो एक पिछड़ा क्षेत्र में आता है। इतनी दूर का सफ़र करने के लिए हम अपनी लड़ाई को सफल बनाने के लिए यहाँ आए हैं। हम कई सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आखिर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम सीएम से पहले भी आग्रह कर चुके, आज भी आग्रह कर रहे कि पहले हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में था, वहाँ से हम केस जीत के आए। अब हम चाहते सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो हमारे हक है वो हमें मिले और हमें ज़्यादा, और हम हरासमेंट हो रही है हमारी, हमारे जो है दिमागी तौर परेशान है क्योंकि हमने जो मेहनत की है अगर हमें वो फल टाइम से नहीं मिलता तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख की बात होगी। कितने समय से इंतजार कर रहे हैं आप और अब क्या सोच में क्या चल रहा है कि कब तक घोषित हो जाएगा? मैम हमें कम से कम 4 साल तो हो गए हैं मैम इसे, और अभी भी पता नहीं कब आएगा इसका रिजल्ट। मैम हम तो सीएम से यही दरख्वास्त करते हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्दी आए। आप क्या कहेंगे, कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या लगता है दिक्कत कहाँ पे है? मैम हमने 4 साल से संघर्ष चला हुआ हमारा, पहले सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में। तो मैम हमारा यही मांग है, हमारा जल्द से रिजल्ट घोषित करिए। आपको क्या लगता है दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मैम दिक्कत जो भी है वो सरकार के प्रोसेस में हो रही है, सरकार इसको डिले कर रही है ताकि ये हमारे साथ, मतलब कि जो पैसा है उसको कहीं और लगा सके, ये हमारे को तब नहीं रोजगार दे रहे हैं जी। आपने कितनी बार कंटेम्प्ट किया अभी तक एग्जाम सरकारी नौकरियों के लिए? मैम मैं 2017 से सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। ये जेवी 817 का जो एग्जाम है मैंने 2021 में दिया था और करंटली हम वेट कर रहे हैं। और जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी 9 तारीख के बाद लगना शुरू हो जाएगा। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि समय के अनुसार हमारा जो रिजल्ट है वो समय के अंदर दिया जाए, हम बहुत परेशान हैं। कोशिश करूंगी कि मैं और भी अभ्यर्थियों तक यहाँ पर पहुँच पाए और यहाँ पर काफी ज्यादा पोस्टर लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे। आप कितने एग्जाम दे चुके हैं सरकारी और क्या लगता है कि जेआईटी 817 क्यों नहीं सुलझ पाया है काफी सालों से? इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमने काफ़ी तैयारियाँ की हैं जेओ के लिए और
हमने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, जेवे 817 दिया है, जेवे 939 दिया है, 903 दिया है, तीन एग्जाम दे चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो रिजल्ट किसी का भी नहीं? किसी का भी नहीं। तो अब जो आत्मविश्वास है ना एक सरकारी नौकरियों की तैयारी करने का, वो कम हुआ है या अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं? आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया जी, इतने टाइम से लेके हम तैयारियां कर रहे हैं और हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। आप क्या कहेंगे, आपने कितने एग्जाम दे दिए? 817 दिया है, 939, 903। तीन पोस्ट कोड दे चुके हैं। हाँ जी मैम। तो तीनों ही नहीं उलझे अभी, तीनों का ही रिजल्ट नहीं आया? आपको पता ही है मैम कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, हम इतने टाइम से सुप्रीम कोर्ट में थे और लड़ी रहे हम तब से लेकर, अब तो खत्म हो गया है मोटिवेशन वगैरह सब कुछ ही, अब क्या कर सकते हैं, आप तो सब जानते ही ऑलरेडी। तो अब क्या करोगे आप? लोक सेवा आयोग तो मना कर रहा है कि हम 817 का रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे, विजिलेंस में मामला है। मैम तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं मैम। उसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन भी क्या है, सीएम सर से मिलेंगे और फिर अपनी बात रखेंगे हमेशा की तरह जैसा करते आए अभी तक। तो दूसरी नई नौकरियां निकल रही, अप्लाई करोगे? पर पहले तो पेंडिंग रिजल्ट का देखेंगे ना मेन, तो हमारा मेन मोटिव तो वही है कि हम पहले पिछले में सॉल्व हो जाए अच्छे से। हम जब आपने 817 का भरा था, जब वो लटक गया, तो उसके बाद कैसे मोटिवेशन आई कि आपने दूसरे पोस्ट कोड का भी भर दिया और वो भी JOIT का ही? मैम तो उस टाइम तो नहीं था ना, उस टाइम तो साथ साथ में प्रॉपर निकल रहे थे, मतलब जो पुराना HPSSC था हमारा वो तो निकल ही रहे थे रिजल्ट टाइम टू टाइम, मतलब वो पोस्ट तो निकल ही रही थी, तो हमने तो फिर भरे अपने हिसाब से क्योंकि हम तो उस टाइम प्रॉपर थे ना, मतलब स्टडी मोड में। युवाओं के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकारी नौकरियां सारी फंस रही है कोर्ट में? मैम अब जो तो है पेंडिंग रिजल्ट्स है और जो FIR जिस पे हुआ है, तो जल्दी से जल्दी वो प्रोसेस स्टार्ट हो और हम मतलब जो फंसे इतने टाइम से हमें भी थोड़ा लगे, क्योंकि हमारी फैमिली भी परेशान हो गई है कि इतने टाइम से बेचारे डेली के डेली आ रहे हैं और ऑब्वियस बात है हम खर्चा करके आते हैं और ऐसे तो आपको पता ही है। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारे युवा है और अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो ज़रूर यहाँ पर आए और काफ़ी देखिए आपकी यहाँ पर लड़कियाँ भी। आप कहाँ से आए हैं? कसौली से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कब चले थे, कब यहाँ पर पहुँचे, कितनी दिक्कतें हुई, सबसे पहले उसी सफ़र के बारे में पूछ लेते हैं। दिक्कतें तो मैम 3 साल से हो रही है, आज की दिक्कत तो है ही नहीं। तो आपने JOIT 817 का है, कौन सा एग्जाम? 817 का ही। तो अब लोक सेवा आयोग इनकार कर रहा है कि विजिलेंस में मामला है तो हम रिजल्ट घोषित नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? मैम हमें नहीं उस चीज़ से वो, लोक सेवा आयोग दे जो मर्जी दे, हमारे को रिजल्ट चाहिए बस। कितनी तैयारियां की है आपने इससे पहले एग्ज़ाम के लिए और कितनी मुश्किल होता है हर युवा के लिए एक सरकारी एग्ज़ाम निकालना? मैम तैयारी तो अब तो मतलब बोल ही नहीं सकते, तैयारी दोबारा हिम्मत भी नहीं है करने की कि तैयारी करेंगे, हमें अब हमारा रिजल्ट चाहिए बस, बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें अपना रिजल्ट चाहिए। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हो? मैम मैं रामपुर से आई हूँ। तो मैम हम यही बोलना चाहते हैं, अब हम इतने दूर दूर से आए हैं, कोई सोलन से आया, चंबा से आया, सिरमौर से आया, मैं रामपुर से आई हूँ, तो देखो मैम बच्चे कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, 3-4 साल हो गए हैं एग्ज़ाम क्लियर किए हुए और जो गवर्नमेंट है वो अभी तक हमारा कोई रिजल्ट नहीं दे रही है, तो हम कितने ज़्यादा हताश हो चुके हैं। मतलब अब हमारे पास यही लास्ट ऑप्शन है कि हम आए हैं कि हमारा रिजल्ट दो, और CM सर कब से बोल रहे हैं, सभी मंच पर जाके बोल रहे हैं कि हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, पर हमें कोई दिख तो रहा नहीं है कि कैसे रिजल्ट निकाल रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, आगे प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, तो हमें कहीं उम्मीद दिख भी नहीं रही है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी उम्मीद में हम आज आए हैं कि हाँ सर ने बोला है कि रिजल्ट आएगा, तो हम आए हैं कि स्टार्ट करें प्रोसेस, जल्द से जल्द स्टार्ट करें। अब बोल रहे हैं कि कमीशन नहीं दे रहा है रिजल्ट, चयन आयोग बोर्ड बनने में टाइम लगेगा, तो देखो ये हमारी हेडिक तो है नहीं, हमने तो बंद किया नहीं था, अब बंद किया था गवर्नमेंट ने कुछ, ठीक है जो भी थी धांधली हो रही थी बंद किया, हाँ ठीक है हम अप्रिशिएट करते हैं, पर देखो ना अब टाइम भी कितना ज़्यादा हो गया, हम कहाँ जाएंगे, हम इतने सालों से प्रेपरेशन कर रहे हैं, हम इतने मेंटली हरास हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमने इतनी मेहनत की है, एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके बाद हमें फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, हम कहाँ जाएंगे बताया अभी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जाए और हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले। लेकिन सरकार कह रही है कि JOIT 817 में कई अभ्यर्थियों पर